जवान हिट होगी या फ्लॉप? उसकी फ्लॉप होनी है, आप देख लेना। फ्लॉप होगी बिल्कुल, पूर्ण रूप से फ्लॉप होनी। वो पान देखने नहीं जा रहा देश का मुसलमान? नहीं जाएगा, हम भी नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। देश का मुसलमान सन्नी देओल के साथ है, जो आज 500 को पार कर गई है। ये उसकी आँख खुल गई है यार, उसको बहुत बड़ा तमाचा लगा है शाहरुख खान को। भारत के अंदर डर लग रहा है, पैसा यहाँ कमाएंगे, खाएंगे यहाँ, मुंह तो हगोगे यहाँ, सब काम यहाँ करेंगे, और गुण गाओगे पाकिस्तान के। ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, देश का मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं करेगा। शाहरुख खान के साथ कुछ % मुसलमान है, वो जैसे ओवैसी साहब फिल्म देख लेते हैं उसकी, हम तो नहीं देखते। आप शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग नहीं मानते? मैं नहीं मानता, मैं सनी देओल को मानता हूँ। अगर शाहरुख खान की बीबी सनातन धर्म से ताल्लुक ना रखती तो मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह रहा, वो इतना अपमान करता हमारे देश का। आपको क्या लग रहा है कि जवान जो है वो गदर का रिकॉर्ड तोड़ देगा? नहीं तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा, कहीं से कहीं भी तक नहीं तोड़ पाएगा। शाहरुख खान ने आज तक भारत के लिए काम ही नहीं किया, भारत की जैसी सोच नहीं रखी उसने आज तक, उसके विचार उसकी सोच पाकिस्तान जैसी रही है और पाकिस्तान को मदद करता रहा। तो इसलिए भारत का मुसलमान और भारत का नागरिक ये जान चुका, हमें सन्नी देओल जैसे हीरो को सपोर्ट करना है जो भारत की बात करता है, भारत के हित की बात करता है और भारत के हित में फिल्म बनाकर लाता है, तो उससे सब समाज खुश होता है। शाहरुख खान जो अपनी मूवी लाता है वो भगवे कलर का अपमान करना, कहीं किसी हिंदू को अपमान करना, तो इस तरीके का देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश जाग चुका है, देश का मुसलमान ये वो जवान है, वो देश के हित में ही है, जवानों के ऊपर है। देखिए अगर जैसे हमारे सन्नी देओल ने फिल्म बनाई है पाकिस्तान का, उसमें पूरी बेइज्जती पूरा विरोध किया है, अगर शाहरुख खान इस तरीके की कहीं फिल्म लाते हैं, जैसे सन्नी देओल ने कहा भी है अगर पाकिस्तान का मुसलमान भारत के अंदर जाए तो भीख भी नहीं मिलने की, अगर शाहरुख खान इस तरीके की फिल्म लाए तो हम शाहरुख खान को सपोर्ट करेंगे। अच्छा आपको शाहरुख खान देशभक्त नहीं लग रहा है? मुझे को कहीं से कहीं तक देशभक्त नहीं लग रहा। अगर देशभक्त वो होता तो हमारे भगवा कलर का अपमान नहीं करता, जिसे साधु संत पहन के तपस्या तप करते और उस भगवे कलर का अपमान करने का काम किया है, वो देश बर्दाश्त नहीं कर रहा। वो देश की जनता नहीं भूलने की, वो मैं भी नहीं भूलने का। खुद को देश का सबसे बड़े देशभक्त मानते हैं, अपने आप को कहते हैं मैं देशभक्त हूँ। अगर देशभक्त है तो वहाँ के लोगों की हेल्प क्यों की जा रही है, जब पाकिस्तान के लोगों की जब हेल्प कर दी है। अभी अभी आप देख लीजिए, अभी वहाँ पे गरीबी आई है, उनके हाथ में कटोरा आ गया तो भीख देने के लिए शाहरुख खान गया। भाई तू भारत का आदमी होकर, भारतीय होकर तू पाकिस्तान के लोगों को भीख देगा? ऐसी मानसिकता रख रहा है तू पाकिस्तान जैसी? अरे भारत के अंदर रहेगा, भारत के अंदर खाएगा, भारत के अंदर पैसा कमाएगा और वो पैसा कमाने के बाद तू पाकिस्तान पहुँचाएगा, उनकी सपोर्ट करेगा। क्या भारत के अंदर मुसलमान मर गए? क्या और समाज के लोग नहीं रहे? वो कहते हैं कि हमें भारत में डर लगता है। क्या क्या डर लगता है? अरे जब तू पाकिस्तान चला जाना चाहिए उन जैसे लोगों को। अगर भारत के अंदर डर लग रहा है, पैसा यहाँ कमाएंगे, खाएंगे यहाँ, मुंह तो हगोगे यहाँ, सब काम यहाँ करेंगे और गुण गाओगे पाकिस्तान के, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, देश का मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं शाहरुख खान को चैलेंज के साथ कहना चाह रहा हूँ, अगर भारत के अंदर आप रह रहे हो तो भारत की बात करो और भारत के हित में फिल्म बनाओ, हर समाज तुम्हें कोऑपरेट करेगा। जैसे जैसे सन्नी देओल की फिल्म पार हुई है 500, मैं शाहरुख खान को भी कहना चाहता हूँ ऐसी इस तरीके की आप मूवी बनाओ, हम विश्वास के साथ कह रहे हैं 1000 करोड़ पार करके दिखाएंगे। हाँ आप नलका पार के दिखाओ, मैं शाहरुख खान से कहना चाहता हूँ आप नलका पाड़ो। अरे सन्नी देओल ने नलका पाड़ा, आप 12 पाड़ो। अरे पाड़ो हो जाएगा तो अगर जानी नहीं है। मैंने आपको कहा था वो हिजड़ा सा है ना, चक्का सा है, वो लड़की सी है, वो कहाँ लड़का पाड़ देगा? उसमें दम है। अरे दम सन्नी देओल में है, वो मर्द है, वो शेर है, जैसा नरेंद्र मोदी शेर है, जैसे बाबा जी शेर है, सन्नी देओल ऐसा शेर है, लड़का चुटकियों में पाड़ देता है। वो कहता है कि मैं बॉलीवुड का किंग हूँ, मैं किंग खान नाम है उनका, बॉलीवुड का पूरे मुंबई के बादशाह है। सिर्फ नाम हो सकता है, काम नहीं है उनके पास, काम तो सन्नी देओल के पास है, उसने नाम कमाया है लेकिन काम नहीं करा देश के लिए। देश के लिए काम तो सन्नी देओल वाला काम नहीं है उनका। नहीं करा, काम तो सन्नी देओल कर रहा है। अगर इस तरीके का काम वो करता शाहरुख खान का, आज नाम नहीं होता शाहरुख खान, आज बहुत टॉप मोस्ट उस पर होता, आज भारत का मुसलमान उसके साथ होता, आज भारत का मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है, सन्नी देओल के साथ है। क्यों है? क्योंकि वो भारत की बात करते हैं, भारत को जोड़ने की बात करते हैं, भारत के हित की बात करते हैं। शाहरुख खान के साथ कुछ % मुसलमान है, वो जैसे ओवैसी साहब फिल्म देख लेते हैं उसकी, हम तो नहीं देखते। आप शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग नहीं मानते? मैं नहीं मानता, मैं सन्नी देओल को मानता हूँ, पूरा सपोर्ट करता हूँ, और किंग है पूरा मुसलमान मानता है, मुसलमान समाज मानता है। आज क्यों देख रहा है मुसलमान समाज उसकी मूवी? क्योंकि भारत के हित में फिल्म बनाई उसने, उसने पाकिस्तान के हित में फिल्म नहीं बनाई। ठीक है, शाहरुख खान का जो बेटा ड्रग्स केस में पकड़ा गया था, ये पता है आपको? वो पाकिस्तान आना, जैसे आप पाकिस्तान के लोग ड्रग्स, गांजा, इफैम, ये इस तरीके के नशे करते, तो वैसे ही वो शाहरुख खान का लड़का कर रहा है। उसी तरीके से एक जवान का जो ट्रेलर आया है, उस ट्रेलर में कहा गया है, शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर लिया करो, तो लोग कह रहे हैं कि ये डायलॉग उन्होंने समीर वानखेड़े के लिए उसमें कहा है,
तो क्या लग रहा है आप? अगर वो इस तरीके का अपराध कर रहा है तो उसमें बाप से आवश्यकता बात करने की क्या है? प्रशासन अपना काम करेगा, उसमें कानून जो कोर्ट कचहरी है अपना काम करेगा, और पूर्ण रूप से इस तरीके का अपराध किया जा रहा है, जेल जाना चाहिए शाहरुख खान के बेटे को। कौन सा वो प्रधानमंत्री का बेटा है, कौन से सांसद और विधायक का बेटा है, वो इस तरीके का अपराध करेगा यहाँ पे? आपको नहीं लगता है कि सरकार अब जो है मूवी पे राजनीति कर रही है? देखिए, इसमें राजनीति की बात क्या है? अगर एक सन्नी देओल अपने भारत के हित में काम कर रहा है, भारत के समाज के लोगों के लिए काम कर रहा है, और भारत का नाम रोशन करने के लिए काम कर रहा है, तो इसमें राजनीति का मुद्दा क्या है? मुझे बताइए आप। विपक्ष तो हर जगह राजनीति करना चाहता है, नरेंद्र मोदी किस फिल्म पर राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन विपक्ष राजनीति कर रहा है। ठीक है। अच्छा, शाहरुख खान का जो फिल्म है वो दुबई में जो है बुर्ज खलीफा पे ट्रेलर रिलीज किया गया है, तो कह रहे हैं कि शाहरुख खान का नाम पूरा डंका में बजता है, वो पूरे दुनिया के किंग हैं, उनके नाम से ही भारत को जाना जाता है, लोग ऐसा कह रहे हैं। सन्नी देओल को पूरी दुनिया में जाना जाता है, शाहरुख खान को कहीं नहीं जाना जाता। भारत का किंग सन्नी देओल है, शाहरुख खान नहीं है। पे वो अपना ट्रेलर रिलीज करवा लिए, देखे कि नहीं? मैंने देखा नहीं अभी, वो देखते ही नहीं है शाहरुख खान। दरअसल इतना टाइम नहीं मिलता, मैं जनता के बीच में जाता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, वोट मांग रहा हूँ, मैं जनता को जाके समझा रहा हूँ घर घर पे, अपने मुस्लिम समाज को समझा रहा हूँ, आपको शाहरुख खान जैसे के साथ नहीं लगना है, आपको सन्नी देओल के साथ लगना है जो हमारे पक्ष की बात करता है, हमारे हित की। घर घर जा रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको, 2024 में नरेंद्र मोदी जी को लाना है, तो मैं घर घर जा रहा हूँ, पूरे भारत में जा रहा हूँ, मैं मुसलमान को समझा रहा हूँ। अच्छा, अभी जो है शाहरुख खान का इतना बात हुआ, शाहरुख खान जब अमेरिका जाते हैं, जब भी 2-3 बार अमेरिका गए, और उनका ये चीज़ था, शिकायत था एक, कि मैं जब भी अमेरिका जाता हूँ तब तब मेरे को मुझे जो है एयरपोर्ट पे 2-2 घंटा जो है चेकिंग के लिए कपड़े उतरवा के पूरा ऊपर से नीचे चेक किया जाता है, ऐसा क्यों? ये सब कष्ट नहीं, पूर्ण रूप से उसको चेक इन करनी चाहिए, और उसको हर तरीके से कहीं भी जाए, एयरपोर्ट पे जाए, स्टेशन पे जाए, शाहरुख खान को पूर्ण रूप से चेक करना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान से मिला हुआ लोग है। सन्नी देओल हमारे होर हीरो पाकिस्तान से मिले हुए लोग नहीं है, तो हमें उस पर कहीं ना कहीं शक है, तो इस तरीके उसकी जांच करी जाती है। इससे उनको तकलीफ है, कह रहे हैं कि हमें ऐसा बहुत बुरा लगता है, मैं किंग हूँ। देखिए, हम शाहरुख खान की भारत के अंदर कहीं चेकिंग नहीं होगी, कहीं भी जाएगा वो एक बार मुझे नलका तो पाड़ के दिखाए, पाकिस्तान में जाकर एक बार कोई ऐसा काम तो करके दिखाए जो पाकिस्तान दहशत में आ जाए। सन्नी देओल तरीके कोई ऐसा काम तो करके दिखाए, 12 पाड़ के दिखाए, नलका पाड़ के दिखाए, क्या कोई इस तरीके का पाड़ के कोई किसान के कोई उनके पीछे उन्हें भगा के तो दिखाए पाकिस्तान को? आज तक शाहरुख खान ने किया है क्या? मतलब आपके कहने का मतलब शाहरुख खान को 2-2 घंटे जो अमेरिका के एयरपोर्ट पे रोका जाता है वो बढ़िया हो रहा है शाहरुख खान के साथ? बहुत अच्छा हो रहा है, होना चाहिए उसके साथ, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। उसकी उसकी भारतीय सोच नहीं है, अगर भारत की उसकी सोच होती, भारत के अंदर वो रह रहा है, भारत का खा रहा है, भारत सब पैसा कमा रहा है, अपने सारे घर सारे खर्चे अपने सारी व्यवस्था कर रहा है, लेकिन भारत के गुण नहीं गा रहा। आज तक कोई उसकी मूवी ऐसी नहीं है जिसमें भारत का उसने कहीं नलका पाड़ के दिखाया हो, क्या उसने ये डायलॉग मारा हो, पाकिस्तान भारत के अंदर आ जाए तो भीख भी नहीं मिलेगी, तो कहाँ उसकी सोच? अच्छा, वो तो बोलते हैं कि मेरे फैमिली में ही जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, अनेकता में एकता, यानी उनकी बीवी जो है वो हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं और वो खुद मुसलमान धर्म से बिलोंग करते हैं, और वो जो बोलते हैं कि अपने 3 बच्चों को मैं सारे धर्मों का सम्मान करना सिखाता हूँ, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि भारत देश का सम्मान नहीं? सम्मान करना शाहरुख खान ने सिखा रहा, सम्मान करना तो शाहरुख खान के बेटे शाहरुख खान की जो बीवी है वो सिखा रही, क्योंकि वो सनातन धर्म से ताल्लुक रखती है। अगर शाहरुख खान की बीबी सनातन धर्म से ताल्लुक ना रखती तो मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह रहा, वो इतना अपमान करता हमारे देश का, और इतना अपमान करता वो पाकिस्तान की गुण गाता। अगर वो आज के अंदर संस्कार है तो शाहरुख खान के बीबी ने दिए, क्योंकि वो सनातन धर्म से ताल्लुक रखती है, उसने संस्कार दिए, उसने बताया सनातन धर्म के बारे में, उसने बताया भारत के बारे में, उसने बताया हिंदुस्तान के बारे में, तुझे यहाँ कैसे रहना है, तो उसका सम्मान जो किया जा रहा शाहरुख खान का वो इसलिए किया जा रहा उसकी बीबी सनातन धर्म से ताल्लुक रखती है। तो जवान हिट होगी या फ्लॉप? उसकी फ्लॉप होनी है, आप देख लेना, फ्लॉप होगी बिल्कुल पूर्ण रूप से फ्लॉप होनी। वो 500 की तो बात है कि देश के मुसलमान उनके साथ है, शाहरुख खान के साथ है। अगर देश का मुसलमान उसके साथ होता, देश का मुसलमान सन्नी देओल के साथ है जो आज 500 को पार कर गई है, ये उसकी आँख खुल गई है, और उसको बहुत बड़ा तमाचा लगा है शाहरुख खान को, और ये बहुत बड़ी चुनौती दी है सर। हम जवान देखने नहीं जा रहा देश का मुसलमान? नहीं जाएगा, हम भी नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, मुसलमान नहीं जाएगा। उसकी तो बता रहा, अगर रिस्पेक्ट है ना उसकी, अगर उसका मुसलमान इज्जत करता है, उसकी बीबी जो सनातन धर्म से ताल्लुक रखती है, उसका सम्मान हम इसलिए करते हैं, अन्य मेरे को तो पाकिस्तान की सोच और पाकिस्तान का नागरिक नजर आता है। वो पाकिस्तान के नागरिक नजर आते हैं शाहरुख खान? आता है वो, मुझे सन्नी देओल देख, मैं भारत का नागरिक है, वो भारत की बात करता है, बेधड़क होकर बात करता है, चिल्ला कर बात करता है, पाकिस्तान भी घबराहट में जाता है जब सन्नी देओल चिल्लाता है, अरे उनके अंदर आवाज़ भी नहीं है शाहरुख खान की। अच्छा, शाहरुख खान भी मुस्लिम है, आप भी मुस्लिम है, उनको लोग हकला कहते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है? मेरे को गुस्सा नहीं आता।
क्योंकि गुस्सा मेरे को इसलिए आता है, मेरे को अगर सनी देओल के बारे में कोई बुरा कहेगा, क्या और अमिताभ के अदर और कोई बहुत हीरो उनके बारे में बुरा कहेगा तो मेरे को गुस्सा आएगा, लेकिन शाहरुख खान की कहीं बुराई होती तो मेरे को गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उसकी सोच बिल्कुल पूर्ण रूप से पाकिस्तान जैसी है। वो भारत के लिए कुछ करना ही नहीं चाहता, उसने भारत के लिए कुछ किया ही नहीं, उसने जो कुछ किया अपने घर रोटी यहाँ से चला रहा है और बाहर मजा ले रहा है पाकिस्तान जैसे कंट्री में जाकर। अच्छा गुलशेर जी, लोग कहते हैं कि सनी देओल खाली अपने एक्टिंग में चिल्लाते हैं, खाली उनका चिल्लाना काम होता है, लेकिन जो शाहरुख खान है उनकी एकदम प्योर एक्टिंग होती है, तब आप उनके अगेंस्ट कैसे बोल सकते हैं? देखिए शाहरुख खान फोटो स्टेट है, हाँ। सनी देओल फोटो स्टेट नहीं, सनी देओल जो करते हैं वो हकीकत में रोल करते हैं। उसने अभी आपने देखा होगा, मूवी देखी होगी, पाकिस्तान के अंदर कैसे चिल्ला रहे और पाकिस्तान के लोग कैसे पाकिस्तान को छोड़ के भाग रहे, इतनी बड़ी दहशत सनी देओल की, ये दहशत मोदी जी की है, बाबा जी की है, सनी देओल की, शाहरुख खान की कहाँ दहशत है? अगर सनी देओल जैसा हीरो ना होता तो मैं आपके विश्वास के साथ कह रहा हूँ मीडिया ये पत्रकार साहब, पाकिस्तान को आने में 24 घंटे नहीं लगने के। अगर शाहरुख खान जैसे यही चीज़ आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं कि शाहरुख खान जैसे अगर 4-5 इस देश में हो गए तो पाकिस्तान देश में घुस जाएगा। बिल्कुल घुस जाएगा, पूर्ण रूप से घुस जाएगा। आज शाहरुख खान जैसे 10 और पैदा हो जाए तो पाकिस्तान को आने में 10 मिनट नहीं लगने की। अगर सनी देओल जैसा पैदा हो तो सनी देओल की देन है, जो पाकिस्तान आज दहशत में, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही भारत की तरफ उंगली उठाने की, उसे पता है कहीं नलका ना पाड़ दे, क्योंकि सनी देओल ने एक बार नलका पाड़ा था, वो गदर में पाड़ा था, आज तक उनके वो समय याद है, अरे इस समय को भी याद कर रहे गदर टू के, क्या कह रहे जैसे नलका इसमें पड़ा कहीं ट्वेल ना पाड़ दे, ये तो नलका ही पाड़ के दिखाया था, भागते हुए नजर आए ना, इतना खौफ है सनी देओल का, इतना दहशत है, इतनी डर है पाकिस्तान को। शाहरुख खान की कहाँ दहशत है? अभी एक मैं बता तो रहा आपको, अगर 5-7 और पैदा हो जाए शाहरुख खान जैसे तो पाकिस्तान को आने में समय नहीं लगने का हिंदुस्तान में। आज हम सेफ है, सेपरेट है, ये सिर्फ सनी देओल की वजह है। अच्छा बॉलीवुड में जो है तीनों खानों का जो है बोलबाला चलता है और लोग बहुत सपोर्ट भी करते हैं, पूरे फैंस जो है सपोर्ट करते हैं तीनों खानों को और बोलते हैं कि तीनों खानों की वजह से जो है बॉलीवुड जाना जाता है पूरे देश भर में, विदेशों भर में। मैं आपको शाहरुख खान का मैंने अभी बताया था आपको पत्रकार साहब, अगर शाहरुख खान का इस देश के अंदर सम्मान है, अगर उसकी बीबी सनातन धर्म से ना होती तो आज उसका सम्मान ना होता, आज उसकी इज्जत ना होती, आज उसकी लोग फिल्म ना देखते, वो तो फिल्म शाहरुख खान की नहीं देख रहे, वो सनातन धर्म से जो उसकी बीबी है उसके सम्मान की वजह से हम उसकी मूवी को देखते हैं, मुसलमान समाज भी देखना पसंद नहीं करता। एक आखिरी सवाल, शाहरुख खान देशभक्त नहीं है क्या? नहीं है। शाहरुख खान देशभक्त है? सन्नी देओल देशभक्त है। शाहरुख खान देशभक्त है? सन्नी देओल देशभक्त है। शाहरुख खान देशभक्त है? सन्नी देओल देशभक्त है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ने की हिम्मत कही तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा बुलडोजर के द्वारा। बुलडोजर इतना पसंद आ गया है क्या आपको? पाकिस्तान को दहशत है बुलडोजर की, हाँ। आज पाकिस्तान जो दहशत में है, आज जो बॉर्डर पे आने की हिम्मत नहीं कर रहा, वो सिर्फ बाबा जी की बुलडोजर की दहशत है, वो सनी देओल की दहशत है। जब सनी देओल चिल्लाता है तो पाकिस्तान रात को भी नहीं सो पाता, इतनी दहशत सनी देओल की है, बाबा जी के बुलडोजर की दहशत है।